वेलकम टू दृश्य क्लासेस। कल हम प्रगतिवादी उपन्यासों के बारे में पढ़ रहे थे, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्रगतिवादी उपन्यासों के अंदर जब हम पढ़ रहे थे, तो प्रगतिवादी के अंदर जो मेन मेन लेखक हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए ताकि हम कभी कुछ लिख सकें। तो उपन्यासों के अंदर अगर आप प्रगतिवादियों की बात करेंगे तो संवेदना जो होगी हमेशा गरीबों की समस्या या समाधान, क्रांति इस तरीके की होगी। मतलब गरीब जो होंगे, गरीब इंपॉर्टेंट होंगे और गरीब बिल्कुल केंद्र में होंगे। हर रचना के केंद्र में गरीब होंगे, अमीर भी होंगे, लेकिन जो केंद्रीय बिंदु होगा वो गरीब होंगे। और हमेशा इसके जो भी मतलब हल निकलेंगे वो क्रांति से निकलेंगे। क्रांति होगी और क्रांति से ही हल निकलेंगे, क्योंकि दिमाग मार्क्सिस्ट है ना, और मार्क्स कहता है कि क्रांति से ही बुर्जुआ वर्ग का खत्म करके बुर्जुआ वर्ग को और जो है सर्वहारा वर्ग को लाया जा सकता है। तो जो क्रांति होगी, समाधान हमेशा क्रांति से होगा, गरीबों की समस्या मुख्य केंद्र में होगी। अब अगर आपको बोला जाए कि प्रगतिवादी हैं, प्रगतिवादी को शिल्प कैसा होगा? हमेशा शिल्प जो होगा प्रगतिवादी होगा सरल, एकदम याद रखना, बिल्कुल सरल और सपाट, एकदम सरल। भाषा एकदम सरल होगी, पात्र गरीब और वंचित होंगे, और बिंब जो होंगे ना के बराबर होंगे, चरित्र एकदम सिंपल सोबर थिंकिंग रखने वाले होंगे, ताकि क्योंकि आम आदमी को समझाना है, उनको आम आदमी को बताना है, तो आम आदमी के बारे में लिख रहे हैं वो, तो आम आदमी के बारे में लिख रहे हैं तो आम आदमी पढ़ेगा। आम आदमी को बिंब और ये जो चीज़ें ये इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती, तो वो सिंपल भाषा का इस्तेमाल करेंगे, सिंपल चीज़ों को देखेंगे, तो भाषा भी सिंपल होगी, बिंबों का बिल्कुल अभाव होगा और बिल्कुल सपाट चित्र होंगे बिल्कुल, ताकि एक बार में चीज़ें समझ में आने लग जाएं। अगर आप इनके अंदर देखेंगे तो मुख्य मुख्य लेखक कौन से हैं, यशपाल के बारे में मैंने आपको बता दिया था। यशपाल का अगर आपको एक चीज़ याद रखनी है तो वो है झूठा सच। सबसे इम्पोर्टेंट जो उनका उपन्यास है, महाकाव्यात्मक उपन्यास है झूठा सच। वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है और उसको पढ़ना कोई ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा उपन्यास है एक तरीके से। तो इस तरीके का जो है महाकाव्यात्मक उपन्यास के बारे में दो चार लाइनें अगर आपको याद होंगी, दो चार चीज़ें आप लिख लोगे, तो ऐसा लगेगा कि एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये बच्चा पढ़ के आया, हवा में बातें नहीं कर रहा। तो ये है इनका जो मेन है। तो इस तरीके झूठा सच के बारे में जो है आज़ादी के एक लाइन है, आज़ादी के पहले कुछ सालों का और आज़ादी के बाद कुछ सालों का, इस तरीके से बटा हुआ है दो पार्टों के अंदर। तो वतन और देश की मेन इसके अंदर है, और देश का भविष्य, मतलब वतन और देश जो आपको आज़ादी से पहले वाला दिखेगा और देश का भविष्य आज़ादी के बाद वाला सिस्टम आपको दिखेगा। तो इस तरीके से दो खंडों के अंदर है ये। इसके अंदर जो मुख्य किरदार है वो है जयदेवपुरी और उसकी बहन है तारा। तो एक तरीके से जो जयदेव है, इसकी एक प्रेयसी होती है जिसका नाम होता है कनक। तो कनक से ये प्यार करता है और फिर उस कनक से शादी नहीं हो पाती है, उसके जो विवाह है वो गिल से हो जाता है, इस तरीके से चलता है। ज़्यादा मेन स्टोरी इसकी नहीं है, मेन स्टोरी है तारा की। तारा जो है असत से प्यार करती है, और असत के बाद में लेकिन उसकी कोई कंडीशन ऐसी हो जाती है कि उसकी शादी असत से नहीं हो पाती। असत के बाद में उसको एक जो है व्यक्ति मिलता है जिसका नाम होता है सोमराज। सोमराज जो है जो टिपिकल हरियाणा टाइप का आदमी नहीं होता, मतलब बिल्कुल जैसे कि शादी के बाद में पत्नी का भोग करने का पूरा लाइसेंस जिन्हें मिल जाता है, वो ये मानसिकता रखता है कि शादी हो गई मतलब जो है मेरे को पत्नी का पूरा एक्सेस मिल गया, कि मेरी जब इच्छा होगी जब मैं यौन संबंध बना लूँगा, या जो मेरी जब इच्छा होगी जब वो ये काम करेगी, या बिल्कुल जो उस माइंडसेट के आदमी होते हैं वो है सोमराज जी। अब क्या होता है कि आज के आधुनिक समाज के अंदर आपने कई बार जीएस पढ़ा होगा या कई चीज़ें पढ़ी होंगी, तो आपने ये देखा होगा कि मैरिटल रेप भी होना एक चीज़ हो गई है। मतलब विवाह के बाद में जो है जो जबरदस्ती के जो संबंध बनाए जाते हैं उसे मैरिटल रेप बोलते हैं। तो एक कुछ समाजों के अंदर जो विकसित समाज है उसके अंदर कई बार इसको गलत भी साबित करा और कई इसके खिलाफ वर्डिक्ट भी दिए हैं। लेकिन ये जो है आपको जितना आसान लग रहा है सुनने में उतना आसान है नहीं, क्योंकि दो व्यक्तियों के पर्सनल बीच की बात है ये। अगर आप सिर्फ गवाही से काम करोगे तो चीज़ें बिखर जाएंगी। कोई भी महिला जो जबरदस्ती अपने पति को उत्पीड़ित करने के लिए कुछ भी करने के लिए जबरदस्ती के आरोप भी लगा सकती है। और अगर आप सबूतों के आधार पर करेंगे तो सबूत मिलना बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि दो व्यक्ति आपस का मामला है और कोई तीसरा व्यक्ति उसके अंदर है ही नहीं, तो गवाह कौन बनेगा। तो इस तरीके से जो सोमराज है वो बहुत ही एकदम जैसे बोलते हैं ना नीच टाइप का, जो भोगना चाहता है चीज़ों को, मतलब कोई महिला मिल जाए उसको चीर दे फाड़ दे, इस तरीके का आदमी है, मतलब अपनी मर्दानगी साबित करने वाला में से है। तो तारा बहुत ज़्यादा दुखी रहती है। फिर आज़ादी का सीन जो चलता है इस तरीके चलता है कि ये जो है अपने घर से बिछड़ जाती है और ये मुसलमानों के एक एरिया में पहुंच जाती है। अब ये लड़की हिंदू है और मुसलमानों के एरिया में पहुंच जाएंगे, मतलब गदर जैसा सीन हो जाता है कुछ ऐसा मान लीजिए। और वहाँ पे उसको एक हाफिज़ साहब होते हैं जो बचा लेते हैं,
हाफिज साहब इसको बचा तो लेते हैं, लेकिन हाफिज साहब को भी डर रहता है कि भाई यहाँ पे मुस्लिम है सारे के सारे, अगर उनको पता चल गया तो इसकी जो है जान खतरे में आ जाएगी। इस तरीके से जो है डर के साए में चलता रहता है पूरा प्रोसेस। उसके बाद में हाफिज साहब को पता चलता है कि कोई एक दस्ता है जो जो मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनकी मदद करने के लिए एक दस्ता है जो इस तरीके का काम कर रहा है, तो वो उनके पास उनको छोड़ देते हैं। और फिर उसकी मदद होती है, और मदद होने के बाद में वो चाहती है कि उसको जो है जो उसका प्रिय है असद उससे वो मिल जाए, लेकिन इस पूरी कहानी के अंदर असद नहीं मिलता है। लास्ट में जो इसकी शादी प्राणनाथ से हो जाती है, और इस दुखद मतलब दुखद अंत के साथ इस कहानी को ख़त्म करते हैं जो है यशपाल जी। तो इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, और मेरी बात तो यह है कि आप इतनी कहानियाँ पढ़ेंगे ही नहीं फालतू, अपना माथा ख़राब थोड़ी करना है इतनी सारी कहानियाँ पढ़ के। आप तो बस मेन मेन थीम ही याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम निकालना है अपन को कोई हिंदी साहित्य का कोई वो गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बनना है, सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है। एग्ज़ाम के अंदर थोड़ी बहुत ही जो अपन को चीज़ें पता होंगी इतना बहुत होगा। उसके बाद में आप दिव्या पढ़ सकते हैं यशपाल जी का, पार्टी कॉमरेड एक उनका है, और दादा कॉमरेड, तेरी मेरी तेरी, उसकी बात, देशद्रोही, इस तरीके के जो उनके उपन्यास हैं उनके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसके बारे में लिख सकें। बस आगे चलते हैं। दूसरा है भैरव प्रसाद गुप्त। यशपाल के बाद में भैरव प्रसाद गुप्त जो है उन्होंने भी एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम है गंगा मैया, और उनका एक है मशाल। नागार्जुन जो है बिल्कुल मतलब ये होता है ना कबीर दास के बाद में व्यंग करने वाले सबसे तगड़े आदमी वो है नागार्जुन। मतलब इंदिरा गांधी के समय में खुल के व्यंग करते थे, इंदु जी क्या हुआ आपको, सत्ता के नशे में भूल गई बाप को। मतलब इंदिरा गांधी भी सोचते हुए कैसा आदमी है, पूरी पावर होने के बाद में इंदिरा गांधी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, और बिल्कुल खुल के व्यंग करते थे एकदम मुंह पे। ऐसा नहीं है कि वह पीठ पीछे कोई व्यंग करेंगे, बिल्कुल खुल के व्यंग करते थे एकदम। और ऐसा व्यंग होता था कि बस आदमी के छाते पे सांप लौट जाए, इस तरीके के व्यंग करते थे, और बहुत तगड़ा है इनका। अगर एक उपन्यास जो आपको इस तरीके के दिखेगा वो है बाबा बटेसरनाथ। उसके बाद में जो उपन्यासों की बात होगी उसमें आया था सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास। सामाजिक, अब देखो एक तो था समाजवादी, आप समझ में आ रहा होगा, एक समाजवादी होता है और एक सामाजिक होता है। समाजवादी का जो मार्क्सिस्ट लोग लिखते हैं वो समाजवादी लिखते हैं, और सामाजिक यानी कि जो प्रेमचंद जो लिख रहे हैं वो सामाजिक है। प्रेमचंद जी जो हैं समाज के बारे में लिख रहे हैं तो वो सामाजिक है। सामाजिक उपन्यासों की सबसे बड़ी बात है समाज के जो निचले दबके कुचले लोग हैं उनके बारे में लिखेंगे, महिलाओं के बारे में लिखेंगे, वहाँ के जो गरीब लोग हैं उनके बारे में लिखेंगे, इस तरीके के जो बातें लिखेंगे वो सामाजिक बातें हैं, जैसे प्रेमचंद वाली धारा मान सकते हो आप। इसके अंदर जो मुख्य लेखक हैं उनका नाम है भगवती चरण वर्मा। इनका एक उपन्यास जो याद रखना है आपको, टेढ़े मेढ़े रास्ते और भूले बिसरे चित्र, ये दोनों उपन्यास है आशावादी उपन्यास है कि भाई फ्यूचर में ये होगा, भविष्य में ये होगा, आशा दिखाते हैं, इस तरीके के उपन्यास है। आशावादी उपन्यासों के रूप में आप इनको लिख सकते हैं। दूसरा है, अब इनके बाद में जो तो सामाजिक यथार्थ की जब बात होगी ना, तो आपने उस समय की जो आज़ादी के टाइम की बात है उस समय देखोगे कि आज़ादी मिलने के बाद शुरू में तो ऐसा लगता है लोगों को कि भाई अंग्रेज चल जाएंगे सब कुछ सही हो जाएगा, अंग्रेजों का ये जो है मेन रोल, अंग्रेज चले जाएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बस अंग्रेजों भारत छोड़ दो, ये बस एक ही चीज़। लेकिन जब आज़ाद हो गए, आज़ादी के बाद में पहले 10 सालों के अंदर ही मोहभंग होना स्टार्ट हो गया लोगों का, क्योंकि अंग्रेज जाने के बाद में जो है जो सबसे बड़ी समस्या दिखने लगी वो है भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार के अंदर आप श्रीलाल शुक्ल जी का एक उपन्यास याद रख सकते हैं, राग दरबारी। ये जरूरी थोड़ा पढ़ना इसलिए क्योंकि कई बार इंटरव्यू में और इन चीज़ों में आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई श्रीलाल शुक्ल की दरबारी के बारे में आप क्या जानते हो, तो थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे तो थोड़ा आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। सांप्रदायिकता की बात है, सांप्रदायिकता के अंदर भीष्म साहनी का तमस जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको रीड करना चाहिए, बहुत अच्छा है उपन्यास है। महिला लेखकों के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, बहुत सारे हैं। तो व्यक्ति और समाज के संबंध की बात में जब आप बात करेंगे तो अमृत लाल जी का नागर जो है बूंद और समुंदर, उसके बारे में, अब आप समझ गए होंगे बूंद और समुंदर, बूंद मतलब व्यक्ति और समुंदर मतलब समाज, तो इस तरीके के जो है प्रतिमा देते हैं, और इस तरीके के आपको समझ में भी आ जाएगा प्रतीकों की बात होती है कि किस का प्रतीक क्या है, तो ये प्रतीकों के रूप में लिखा गया है बूंद और समुंदर, तो व्यक्ति और समाज के संबंध को इसमें बताया गया है। तमस के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, भीष्म साहनी जी का तमस जो है बहुत फेमस उपन्यास है। तो यहाँ पे भीष्म साहनी जी ने जो तमस लिखा है वो मतलब सांप्रदायिकता के ऊपर एकदम अल्टीमेट लिखा है, जैसे कि लाहौर की एक घटना है, 5 दिन की कहानी है टोटल मिला के, और सांप्रदायिकता के ऊपर है। लाहौर वैसे है ना हिंदुस्तान के हाथ से लाहौर बहुत गलत चला गया, लाहौर
इतना शानदार शहर है, जिंदा दिल जैसे शहर बोलते हैं ना, जैसे पंजाब है हमारा, पंजाब के अंदर जैसे आप मान लीजिए चंडीगढ़ है, और सॉरी पंजाब के अंदर मान लीजिए जैसे अमृतसर है, और ये जो जिंदा दिल जो शहर है ना, ऐसे ऐसा है लाहौर। लाहौर एक जिंदा दिल लोगों का जिंदा दिल शहर है। तो ये तो हमारे साथ बुरा हुआ कि लाहौर हमारे हाथ से चला गया, लेकिन लाहौर की एक कहानी है। इसके अंदर एक रिचर्ड नाम का एक कमिश्नर है, रिचर्ड नाम का कमिश्नर है। उसने क्या करा है कि एक व्यक्ति है जो मुस्लिम ही है, रिचर्ड का पालतू चमचा है, उसका नाम है मुराद अली, मुराद अली। और उसके कहने, रिचर्ड के कहने पे मुराद अली ने दंगे की प्लानिंग करी है। दंगा, अब देखो दंगा जो है मैनेजमेंट का काम है पूरा, कहाँ क्या होगा, किस गली में, ऐ तो भोले लोग होते हैं बेचारे, मार देंगे ऐसे करते, पीछे गोलियां एक खट ये ले खत्म। वो बेचारे भोले आदमी होते हैं, उनको पता नहीं होता। और जो सबसे घाघ आदमी होते हैं ना, घाघ होते हैं कि वो निशाना बनाते हैं कि ये आदमी है इस घर के अंदर, ये आदमी अपने को कॉम्पिटिशन दे सकता है। तो जाएंगे दंगे के अंदर उसके घर पे, उसको बुलाएंगे, हाँ भाई आजा आजा बाहर आजा, आ तो दंगे का दिन है, तेरे से हिसाब बरोबर करना है, बाहर बुलाएंगे और मार मुड़ के चल देंगे। इस तरीके के घाघ आदमी होते हैं, वो नारे लगाते कम है और काम ज्यादा करते हैं। बेचारे भोले आदमी नारे में ही सड़ जाते हैं, कोई गोली आई इधर से, कोई चप्पू मार गया, वो भोले आदमी का काम है। अब मुराद अली है, उसने एक दंगा प्लान कराया, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दो हिस्से करने हैं, दो हिस्से करने हैं तो दंगा होगा, जब भी दो हिस्से होंगे। तो रिचर्ड का पूरा प्लान है कि यहाँ पे इतना भयंकर दंगा भड़काना है कि ये दो हिस्से हो जाए। मुराद अली को उन्होंने हायर कर लिया रिचर्ड ने, और मुराद अली ने एक नत्थू को हायर कराया। अब नत्थू जो है जा से चमार है, तो नत्थू चमार नाम है उसका, नत्थू चमार। नत्थू चमार को कह दिया गया है, मुराद अली ने कहा है कि भाई जब नमाज चल रही हो ना, तब तुम एक सुअर सुअर मार के और मस्जिद में पटक देना। उसने ऐसा ही करा, जो पैसे वैसे ले लिए, ठीक है, नत्थू चमार ने, और सुअर मारा, और सुअर मार के और मस्जिद के अंदर फेंक दिया। अब देखो दोनों चीज़ें क्या है, मुस्लिम समाज के अंदर सुअर को बहुत ही ज़्यादा गलत मानते हैं, वो मतलब त्याज्य वस्तु है एक तरीके से, त्याग करने वाली वस्तु है, त्याज्य वस्तु है एक तरीके से। मुसलमान सुअर इसलिए नहीं खाता कि बहुत गलत है, मतलब बहुत ही बेकार चीज़ है, इसको खाना ही गुना है एक तरीके से, इसलिए मुसलमान सुअर नहीं खाता। जबकि हिंदुओं के अंदर जो है गाय नहीं खाते, हिंदुओं का महत्व अलग है, गाय का जो हिसाब किताब है वो अलग है, गाय एक पवित्र जानवर है, इसलिए हिंदू लोग गाय को नहीं खाते। लेकिन मुसलमान सुअर इसलिए नहीं खाते कि त्याज्य वस्तु है, बहुत गलत है। तो दोनों का सेंस अलग है, लेकिन ना खाना एक इम्पोर्टेंट बात है। तो दोनों के अंदर जो है इस तरीके का सिस्टम चलता है। अब सुअर जो है बहुत गलत चीज़ है, अब मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते हुए फेंक दिया है, तो सारे मुस्लिम जो है इकट्ठे हो गए, और ये बात हो रही है कि भाई हिंदुओं ने हमारे साथ गलत करा है, हमारा सुअर मार के हमारे मस्जिद में पटक दिया, हमें जो है हमारा धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश करी है। तो फिर थोड़ी देर बाद में सारे मुस्लिम इकट्ठा होते हैं और बोलते हैं बदला तो लेना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, गाय मारते हैं, और गाय मार के और हिंदुओं के मोहल्ले में डाल देते हैं। अब बेचारे गाय सोच रही है दंगा तुम्हारा है, बेचारे मेरे को क्यों मार रहे हो गरीब आदमी को, लेकिन गाय मार के पटक देते हैं। और इतना ही होता है कि भाई शाम को तो जो होना चाहिए, अब देखो मूर्ख लोग हर समाज में होते हैं, अब कुछ मूर्खों ने कुछ मूर्खों को भिड़का दिया और भाई साहब दंगा चालू हो गया। और दंगा चालू होने के बाद में इतना भयंकर होता है दंगा चालू कि भाई 5 दिन तक उसके अंदर खतरनाक काम होता है। अब एक शांति दल जो है रिचर्ड के पास जाता है, उनको बोलता है कि भाई साहब कर्फ्यू वर्फ्यू लगाओ, जो है पुलिस वालों को भेजो, ये दंगा हो रहा है थोड़ा संभालो। अब रिचर्ड बोला कि यार अभी मैं कर्फ्यू लगा दूंगा और रोक दूंगा तो काम ही खराब हो जाएगा, फिर तो काम कैसे बनेगा। तो वो क्या बोलता है कि हाँ अभी हम मैनेज करेंगे, आप टेंशन मत लो, धीरे धीरे काम चलता है। और 5 दिन तक दंगा बहुत ज़्यादा भड़कता है। अब दंगे के अंदर पता क्या होता है, सबसे जो मासूम लोग होते हैं ना वो पहले मरते हैं, जैसे कि कोई महिला अगर अटक गई किसी के हत्थे चढ़ गई तो उसका काम तमाम हो जाएगा, उसके साथ रेप भी होगा, उसको मार भी देंगे। और बेचारा कोई भोला आदमी अगर बच निकल गया, कोई भोला आदमी जैसे जा रहा है सड़क के ऊपर और अगर वो किसी के हत्थे चढ़ गया, तो बस उसका काम तमाम होना जरूरी है। तो इस तरीके से जो घोड़े और जो घाघ होते हैं ना, वो कभी नहीं मरते। घाघ क्या होते हैं, गुट में रहते हैं, 50 आदमी का गुट है, 50 हिंदू एक गुट में, 100 हिंदू एक गुट में, और 50 मुसलमान इधर वाले गुट में, 50 हिंदू या 50 100 मुसलमान इस वाले गुट में, गुट बना के रहते हैं, वो साले कभी नहीं मरते। लेकिन जो बेचारे भोले आदमी होते हैं ना, वो पहले से लड़ जाते हैं। तो इस तरीके से मैनेजमेंट होता है सब चीज़ों का, किस आदमी को टपकाना है, किस आदमी से ज़्यादा खतरा है, किस आदमी को क्या करना है, सब कुछ मैनेजमेंट का काम है एक तरीके से आप देख लो। अरे ये पूरा सिस्टम चलता है, 5 दिन बाद में जो है पूरे मारकाट होने के बाद 5 दिन बाद में एक हेलीकॉप्टर, रिचर्ड जी जो है हेलीकॉप्टर घुमाते हैं, और फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर देख के लोग अपने घरों में घुस जाते हैं। हेलीकॉप्टर का खौफ था ना, मतलब 1935-36 या सॉरी
45-47 की बात चल रही, उस समय खौफ था, तो हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरता, पता नहीं क्या बात हो गई, सब अंदर घुस गए, फिर उसके बाद कर्फ्यू लग गया, कर्फ्यू के बाद में जो है चीज़ें शांत हो गई। तो इस तरीके का जो है तमस जो है नाटक आप बहुत अच्छा लगेगा अगर आप पढ़ेंगे, तो एक सांप्रदायिकता की अलग ही चीज़ आपको देखने को मिलेगी, किस तरीके से क्या क्या मैनेजमेंट होता है, दंगा कैसे होते हैं, पूरा आपको बिल्कुल लाइव परफॉर्मेंस हो जाएगी आपके सामने। उसके बाद में आता है ऐतिहासिक नाटक। ऐतिहासिक और पौराणिक उपन्यास जो होते हैं, पौराणिक, उनका एक महत्व अलग है। जैसे आपने मोहनजोदारो एक मूवी देखी होगी, ऋतिक रोशन की मोहनजोदारो, आप ऐतिहासिकता का तत्व लगा के आप अगर इतिहास में मजेदार चीज़ होती है, अगर बस समझाने वाला कोई इस तरीके से कि मसाला लगा के बता दो, फिर देखो आप इतिहास एकदम शानदार चीज़ है। तो इतिहास रोचक तथ्य अगर आप रोचकता से पढ़ेंगे तो इतिहास सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है। तो ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास में आप साम्राज्यवादी इतिहास बहुत को खारिज करता है, जो साम्राज्यवादी इतिहास है उसका बोध का जो है ना बोध होता है उसको खारिज कर देता है, बिल्कुल सारी चीज़ें अपने हिसाब से चलेंगी, जो आपको पौराणिक तथ्य मिल रहे हैं उसके हिसाब से उपन्यास नहीं चलेंगे, बिल्कुल अलग ही। जैसे आप पढ़ोगे कालिदास, अब कालिदास के बारे में क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब आप कालिदास का नाटक पढ़ोगे ना तो आपका बिल्कुल दिमाग के हिल जाएगा, कालिदास ऐसा आदमी था, मल्लिका ऐसी थी, जो है सारे आपको बिल्कुल ऐसा तथ्य जो है बिल्कुल अलग ही दिखेंगे, कि तथ्य से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल अलग ही स्टोरी चल रही है। तो जो इतिहास बोध है उसको खारिज कर देता है, बिल्कुल अलग ही चलेगा नाटक या उपन्यास। मनोरंजन कोट कोट के भरा होता है कि भाई आपको इतिहास पढ़ोगे ना तो आपको इतने दिन लगेगा कि भाई इतिहास का हिसाब किताब है। जो मनोरंजन होता है वो इस लेवल का होता है कि बस आदमी डूब जाता है, लेख पाठक जो है डूब के पढ़ता है। तो इसके अंदर आप मुख्य मुख्य दो तीन नाम याद रख सकते हैं। चतुरसेन, चतुरसेन जी का है वैशाली की नगरवधु। अगर आप इस नाटक को, जैसे आपके पेरेंट्स टाइप के लोग हैं उनको आप इस नाटक को पढ़ा दोगे ना तो उनको इतना इंटरेस्ट आएगा कि यार वैशाली की नगरवधु पढ़ाइए, और भाई साहब इतना मज़ा आ जाएगा कि वो बोलेंगे ऐसी चार किताबें और भेज दो, आज से हमने भी हिंदी साहित्य ले लिया है, इतना शानदार उपन्यास है, बिल्कुल डूब के पढ़ेंगे, इस तरीके की बात है। उसके अंदर आप ऐसे लिख सकते हो वृंदावन लाल वर्मा का झांसी की रानी, झांसी की रानी भी आप ले सकते हो, और भगवती चरण वर्मा का आप चित्रलेखा ले सकते हो, अमृतलाल नागर का मानस हंस या खंजन नैन ये ले सकते हो, यशपाल जी का दिव्या भी इसके अंदर लिया जा सकता है। वैसे दिव्या को जो है एक तरीके से उपन्यास नहीं माना जाता, कुछ लोग मानते हैं, तो ये चार आप इसके अंदर ले सकते हो इतिहास बोध के अंदर, और इतिहास का एकदम बोध ही करा देंगे आपको, मतलब बोध जो आपने तथ्य पढ़े होंगे प्रमाण उससे बिल्कुल अलग जाके, ऐसा होता है ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास। अगला देखते हैं, अगला है हमारे पास आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यास जो है हमारे सिलेबस के अंदर एक जुड़ा हुआ है, जो है फणीश्वरनाथ रेणु जी का मैलांचल, उसको आप पढ़ोगे तो पहली बात तो राजस्थान हरियाणा पंजाब इनके लोग उसको पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो है बिहार का, बिल्कुल ठेठ बिहारी जिसे बोलते हैं ना भैंस चरमन साहब। अब पहला वाक्य ऐसा है, अचानक गाँव में हैरान हो गया है कि जो है मिलिट्री आ गई है, मिलिट्री आ गई है और जो है बावन दास को गिरफ्तार कर लिया। अब आप परेशान है, मिलिट्री कौन सी आ गई भाई, मिलिट्री तो सुना है, मिलिट्री आ गई है, मिलिट्री मिलिट्री क्या होता है, बावन दास और अलग ही, मतलब बिल्कुल आप बिहार के होंगे ना अगर आपको मैथिली भाषा आती है तो आप डूब जाएंगे बिल्कुल, के समझ ऐसा लगेगा कि आप बस आप गाँव की खुशबू महकने लग जाएगी। लेकिन जरा से आप हरियाणा साइड के हैं, राजस्थान साइड के हैं, पंजाब साइड के हैं और MP साइड के, तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा आपका, इतना खतरनाक जो है, एक दो अटेम्प्ट में तो आदमी पढ़ ही नहीं पाता, इस तरीके का है। विशेषताएं क्या होती हैं आंचलिक उपन्यासों की? आंचलिक उपन्यासों में आंचल ही नायक होता है, मतलब जो आंचल होता है वही नायक है, कोई नायक नहीं होगा उसके अंदर, सारे पात्र सारे घटनाएं जो होंगी आंचल को ही संवारने के अंदर लगी होंगी। पात्र भी ज़्यादा होंगे, जैसे 254 पात्र हैं मेलांचल के अंदर, इतने ज़्यादा पात्र हैं, आप समझ नहीं आएंगे, आप पेज पलटोगे कोई नया पात्र आ जाएगा, फिर आप दो तीन पेज पलटोगे फिर कोई नया आ जाएगा, घटनाएं इतनी ज़्यादा होंगी क्योंकि इतने सारे जो होंगे तो उसके बाद में घटनाएं भी तो उनकी सबकी बतानी होगी, तो घटनाएं भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, समग्र चित्रण होगा एकदम कि भाई उस पढ़ने के बाद में आप उस आंचलिक उपन्यास को पढ़ने के बाद में आप वहाँ का नक्शा बना सकते हो आराम से कि भाई ये तो क्लिनिक है, ये मठ है, ये मठ के बाद में ये है, आप पूरा खाका बना सकते हो, बिल्कुल रास्ता बना के ये बता सकते हो, समग्र चित्रण होगा, तटस्थ चित्रण होगा। तटस्थ चित्रण का मतलब कई बार क्या होता है कि कई जो हैं लेखक जो हैं अपनी जो गांव की बुराइयां होती हैं उनको छुपा लेते हैं, अच्छाइयों को बड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। जैसे गोदान देखेगा आपको,
गोदान के अंदर होरी को जब आप पढ़ोगे तो गोदान ऐसे मनुष्य टाइप का थोड़ी होता होगा, कोई गांव के भाई, कोई गाना गीत ही नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ दुखी दुख आ रहा है, इस तरह का इतना मनुष्य नहीं होता होगा। तो जो मुंशी प्रेमचंद जी जो है, जो सुखों के दिन होते हैं उनको तो बिल्कुल छोटा करके बता देते हैं, और जो गलत हो रहा है उसको बड़ा कर करके दिखाते हैं। तो इस तरीके से तटस्थ मूल्यांकन नहीं होता, लेकिन आंचलिक उपन्यासों में तटस्थ चित्रण होता है एकदम, जो हो रहा है गाना। अब जैसे मेलांचल को आप किसी भी पेज को खोल के देख लेंगे तो हर तीसरे चौथे पेज के ऊपर आपको एक गाना मिल जाएगा, ता दिन्ना नट 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 ऐसे कुछ, आपको ता दिन्ना आपको हर दूसरे तीसरे पेज में मिल जाएगा। तो बिल्कुल तटस्थ चित्रण होता है उसके अंदर। स्थानीयता और स्थानीयता जो होती है बहुत कूट कूट के भरी पड़ी होती है उसके अंदर। आंचलिक उपन्यासों के अंदर जो है बिल्कुल आप खो जाएंगे, एक एक किराने की दुकान भी अगर किसी गांव के अंदर होगी वो भी आपको एकदम शानदार तरीके से दिखेगी। अब लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आंचलिक उपन्यासों के अंदर एक ये चीज़ होती है कि वो एक आंचल से बन जाते हैं, मतलब कि एक जगह विशेष से बन जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए आप कोई गांव की अगर कहानी है तो वो बिहार की अगर कहानी है तो बिहार वाला व्यक्ति ही पढ़ सकता है, ऐसा कोई बाहर का आदमी नहीं पढ़ पाएगा। जबकि हर लेखक चाहता है कि मेरी जो रचना है वो इस तरीके से हो कि किसी भी दुनिया के किसी भी कोने के अंदर बस नाम और चीज़ें पलट के उसको लिखा जा सके। जैसे शेक्सपियर का एक नाटक है, आपने देखा हो ओमकारा। अब ओम जो शेक्सपियर है वो इंग्लैंड के अंदर लिखा गया नाटक है, जबकि ओमकारा उसके सिर्फ चार पात्रों के नाम बदले हैं और उसके थोड़ा समाज बदला है, और ओमकारा भी लोगों को यहाँ के सूटेबल लग रही है। तो ये लेखक का एक तरीके से आप मान सकते हो कि उपलब्धि है कि उसने वहाँ इंग्लैंड में बैठे हुए कोई नाटक बनाया या कोई चीज़ बनाई, और यहाँ पे भी बहुत बढ़िया हो रही है, वहाँ पे भी वो चल रहा है, तो सिर्फ नाटक और चरित्रों के नाम पलट के। अब जैसे गोदान है, गोदान जब आप देखोगे तो गोदान हर देश की हर जिले में चल सकती है कहानी। अपने भारत के तो मान लीजिए आप 84 करेक्टर हैं टोटल मिला के, 84 करेक्टरों को गोदान को नाम चेंज कर दो, साउथ में चल जाओ अयप्पा अयप्पा कुछ ऐसे नाम रख दो, और सारे नाम रखने के बाद में आप वहाँ के किसी गाँव का नाम मतलब समझा दो, तो जो है साउथ वाले भी उससे कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि उनके वहाँ पे गांव में भी यही स्टोरी चल रही होगी बिल्कुल सेम टू सेम। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो यह एक सम्मानजनक बात है। लेकिन महिला आंचल को आप बाहर निकाल के लाओगे तो वो आंचलिक जो उपन्यास है वो उसका तत्व खत्म हो जाएगा। आप बिहार के बारे में जो इतनी शानदार चीज़ें बताई है, इतना शानदार जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वो आप राजस्थान में ले आओगे तो गुड़ गोबर हो जाएगा, वो चलेगी नहीं, थोड़े दिन में ही खत्म हो जाएगा मतलब हिसाब किताब। तो आंचलिक उपन्यासों की ये कमी है, लेकिन बाद में हम देखेंगे कि ये कमी है या इसको भी हम बढ़ा चढ़ा के बताने का प्रयास करेंगे। अगर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ ही लेगा तो फिर हम उसको भी डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी आप समझ लेते हो कि आंचलिक उपन्यास जो है अपने समय का और अपने स्थान का अतिक्रमण नहीं कर पाती। स्थानीयता पर जोर होता है और सार्वभौमिकता बिल्कुल कमजोर हो जाती है उसके अंदर, सार्वभौमिक वो चीज़ चल नहीं सकती इसके अंदर। जो है फणीश्वरनाथ रेणु जी अपने पेपर वन में भी हैं, तो इनके जो है पेपर वन में भी इनके इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पेपर टू में तो इनका मेला आंचल है ही। मेला आंचल के अंदर इनके मेला आंचल इतना शानदार उपन्यास लिखा इन्होंने कि पहले उपन्यास में धूम मचा दी इन्होंने। इनका पहला उपन्यास था, देखो अज्ञेय का भी पहला उपन्यास था शेखर एक जीवनी, और इनका भी ये पहला उपन्यास था मेला आंचल। इन दोनों ने ही जो है धूम मचा दी थी। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने पहले ही मतलब पहले ही मैच में उतरे और सेंचुरी मार दी, इस तरीके के लोग कम ही होते हैं, जिनमें से ये भी एक हैं। तो जैसे गोदान देखेंगे, गोदान फेमस उपन्यास है लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी का आखिरी का उपन्यास है, मतलब आखिरी दौर का उपन्यास है इस तरीके से। तो पहले मैच के अंदर ही सेंचुरी मार लेने वाले कुछ ही कम लोग ही होते हैं। मेला आंचल इतना बढ़िया लिखा, लोग बगड़ा गए, भाई साहब इतने पागल हो गए बस पूछो मत, उन्होंने जिद करी भाई साहब एक और लिखो, सारे उनके घर के बाहर जाके लाइन लगा ली, एक और लिखो। अब मान लीजिए आपको एक आदमी बहुत शानदार लिख देगा पहले ही अटेम्प्ट में अपना बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे देगा, तो उसके बाद वो कितना अच्छा लिख ले वो बात आ नहीं पाएगी, रिपीटेशन होगी। तो उन्होंने बाद में चीज़ें लिखी, प्रति परिकथा है ना, पल्लू बाबू रोड, उसके बाद में दीर्घ कथा, जुलूस, कितने चौराहे, इस तरीके की कहानियाँ लिखी। जो देखो इतने नाम आपको याद परीक्षा में रहेंगे भी नहीं और इतने नाम आपको याद करने भी नहीं, आप मेन मेन दो याद कर लीजिए, जो है प्रतीक परिकथा और एक मेलांचल, बस इतना बहुत हो जाएगा। ज़्यादा चीज़ों को याद करने के पीछे भागोगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप बोलोगे मेलांचल जो है अज्ञेय ने लिखी है, फिर एग्जामिनर के भी इतना हो जाता है काम, तो इतना चलता है थोड़ा बहुत। तो आप दो एग्जाम्पल याद रखेंगे आपका काम हो जाएगा, बस इतना याद रखना है, उनको ज़्यादा फालतू संग्रह नहीं बढ़ाना है। नागार्जुन का जो है बलचन्मा आप याद रख सकते हो, नागार्जुन का एक मेला आंचल की तरह ही है, यानी आंचलिक उपन्यास ही है।
राही मासूम रजा का आधा गांव, इसको आप याद रख सकते हो। पहली बार अगर आपको किसी उपन्यास के अंदर गाली गलौच की बात होगी ना, तो वो इसके अंदर है, भर भर के गाली गलौच है। मतलब जैसे मोल्ला सी जो आपने थोड़े दिन पहले सुन क्या नाम है उसका, सनी देओल की एक फिल्म आई थी मोल्ला सी, उसके अंदर इस तरीके की जो गालियाँ थी वो इस तरीके की इसके अंदर आपको दिखेगी। आधा गांव के अंदर पहला ऐसा उपन्यास माना जा सकता है जिसमें गाली गलौच भर भर के। उदय शंकर भट्ट का आप है सागर, लहरें और मनुष्य, इस तरीके का जो है उपन्यास है उसको भी आप याद रख सकते हो। और इतना याद नहीं भी रहे तो आप फणीश्वरनाथ रेणु जी का, नागार्जुन का याद रख लेंगे, बहुत है। दो एग्जाम्पल जो हैं बहुत होते हैं। हिंदी के लोग वैसे भी बहुत ही कम पढ़ते हैं, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो, तो इतना काम चल जाता है। टीचर को भी कहाँ इतना ज़्यादा चीज़ें हमेशा याद रहती होंगी। नया उपन्यास, ये छठा कॉन्सेप्ट आ गया हमारा नया उपन्यास। अब नया का मतलब क्या, अब हर चीज़ के अंदर हर चीज़ बाद में नया आएगा आपको। तो नए उपन्यास के अंदर एक यूएसए के अंदर मूवमेंट चल रहा था न्यू मूवमेंट, उसी के मूवमेंट के ऊपर न्यू लेखन यानी कि नव लेखन एक प्रवृत्ति हमारे हिंदुस्तान में भी चालू हुई। तो इसके अंदर जो है छठा दशक आप मान सकते हो 1950 से 1960 के बीच में। अब वही वाली स्थिति है 1950-1960 के, मोहभंग की स्थिति मान सकते हो आप। आज़ादी मिल गई है लेकिन कुछ हुआ नहीं है, तो मोहभंग आ गया है। अस्तित्ववाद, दो जो है वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, उसके बाद में कई लाखों करोड़ों लोग मर चुके हैं, तो अपने अस्तित्व पर ही खतरा मिल रहा है। कोई भी बम आएगा दो मिनट में आदमी मर जाएगा, तो जो है क्षण भंगुरता का एहसास होने लग जाएगा कि भाई एक क्षण की ज़िंदगी, उसके बाद क्या पता मैं रहूँ नहीं रहूँ। इस तरीके की शहरीकरण जो है लघु मानववाद हो जाएगा। शहरीकरण के अंदर मशीनों का महत्व बढ़ गया है, मानव का महत्व कम हो गया है, तो मानव जो है लघु मानववाद का जो है चीज़ें आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको इन कहानियों के अंदर दिखेंगी। महिलाओं की स्वतंत्रता का, अब यहाँ पे महिलाओं की स्वतंत्रता का सिस्टम इस तरीके से है। आप देखो कि भाई रूसो है, मान लीजिए रूसो ने क्रांति करी फ्रांस के अंदर, और रूसो ने बोला कि भाई रूस बोले क्रांति के अंदर महिलाओं का भी योगदान चाहिए, महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। अब महिलाएं आगे आ गई, क्रांति क्रांति कर रही हैं, खूब सारा क्रांति क्रांति खेल लिया। अब उनको ऐसा लगा कि भाई वहाँ पे तो घर में तो बोरियत थी, सुबह तीन टाइम का खाना बनाओ, रोज़ वही बर्तन मांजो, रोज़ वही कपड़े धो, ये तो बाहर आके तो मज़ा रहा है, थोड़ा खतरा है लेकिन मज़ा तो बहुत आ रहा है। अब रूसों की क्रांति खत्म होने के बाद रूसों ने बोला बोले वापस घर में चलो। अब बोलते बुढ़बक पागल हो गया, घर में कौन जाएगा, हमें तो बाहर मजा आ रहा है। तो इस तरीके से जो सिस्टम खिलाफ हो गया। अब वहाँ पे एक महिला है, मतलब सब महिलाओं को बोला वापस जाओ, कोई वापस जाने को तैयार ही नहीं। महिला को वापस जाती है कि भाई एक बार घर से बाहर आ गए, बाहर मजा आने लग गया, कौन वापस जाएगा। आपको बोले भाई घर के बाहर आ जाओ, ये करना है, अब आप कर रहे हो तो आपको मजा आने लग गया, घर में तो आप बोर हो रहे हो तो बाहर मजा आ रहा है, तो कौन वापस घर में जाएगा। तो इस तरीके से हिसाब किताब बेकार हो गया, और रूसों का पूरा प्रशासन हिल गया इस बात से कि भाई महिलाएं वापस नहीं जा रही। एक महिला जो उग्र रूप से थी उसका नाम था मेरी घुस का क्या हिसाब किताब, मेरी घुस ने मना कर दिया कि भाई हम वापस नहीं जाएंगे, हम तो जॉब करेंगे बाहर घूमेंगे। तो रूसों को अपना साम्राज्य बचाने के चक्कर में इसको बेचारी को फांसी देनी पड़ गई, ताकि बाकी महिलाएं डर के मारे कम से कम अंदर जाएं। लेकिन आप जानते हो कि कोई फांसी लगने से तो जो है आग भड़कती है, कम थोड़ी होती है। जैसे भगत सिंह जी को फांसी लगी थी तो उसके बाद आज़ादी का भाव बढ़ा ही था, कम थोड़ी हुआ था। एक फांसी पे छड़े भगत सिंह जी तो 10 और खड़े हो गए। इस तरीके से फिर वहाँ पे आज़ादी चालू हो गई। या ऐसी ऐसी गलती जो है गांधी जी से भी हमारे भारत के अंदर भी हुई है। भारत छोड़ो आंदोलन था, बोला महिलाओं को बोला कि आप भी आओ, आप भी जो है योगदान दो। अब महिलाएं जो है बाहर आ गई। अब बाहर आने के बाद में अब गांधी जी बोले भाई ठीक है आपका काम हो गया, अब आप घर वापस जाइए। अरे काहे के लिए घर वापस जाइए भैया, हमें तो मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अब मज़े के साथ में फिर वो बाहर एक बार आई तो बाहर ही रह गई, तो उन्होंने नौकरियाँ करना स्टार्ट कर दी। तो महिलाओं की पहली बार स्वतंत्रता का जो आगाज़ है वो यहाँ से दिखेगा आपको इस तरीके का। आत्मनिर्वासन, अजनबीपन, ये सारी चीज़ें जो है केंद्र में आ जाएंगी इस उपन्यासों के अंदर, आपको ये सारी चीज़ें केंद्र में दिखेंगी। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत अगर याद रह जाए तो ठीक है। तो ये परिस्थितियाँ हैं, ये परिस्थितियाँ जब पीछे बैकग्राउंड में चलेगी तो उपन्यास के अंदर आपको साफ दिखेगा कि भाई क्या चल रहा है। अगला देखते हैं। अब नए उपन्यास के अंदर तीन तत्व मुख्य तौर पे आप माने जा सकते हैं। नए उपन्यास के अंदर तीन तत्व हैं, पहला दूसरा और तीसरा। पहला है महानगरीय बोध। अब बड़े शहर हो गए, मध्यम वर्ग का जो अकेलापन है वो खलने लग गया उनको, तो उसके टाइम के अंदर आपको निर्मला वर्मा जो है दिखेंगी। निर्मला वर्मा वो थोड़ी मैच्योरिटी लेवल के लेखक हैं, मतलब आपको ऐसा लगे ना कि भाई मेरे में मैच्योरिटी खूब आ गई है और मैं कहानियों को नई कहानियों को समझने लगा हूँ, तो आप इनके कहानियाँ उठा के दे सकते हैं। फिर आपको लग जाएगा कि हाँ भाई थोड़ी गहरी बात है, हर बात के अंदर गहराई आपको दिखेगी, हर सेंटेंस के बाद में एक गहरा सेंटेंस दिखेगा।
तो इनकी जो मेन मेन जो है वह दिन और एक चिथड़ा सुख, इस तरीके के दो उपन्यास हैं, आप इनको पढ़ सकते हो, फेमस हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन दो जो है इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख सकते हो। यौन चेतना की बात जब उपन्यासों के अंदर आएगी, वैसे यौन चेतना शुरू से ही है लेकिन बिल्कुल मुखर रूप से आपको दिखने लगेगी, तो मृदुला गर्ग का पहली महिलाएं जिन्होंने इस तरीके के जो उपन्यास लिखने स्टार्ट करे, मतलब बिल्कुल अश्लीलता आपको इसके अंदर दिखने लग जाएगी। तो कट गुलाब जो है इनका उपन्यास है, बिल्कुल अश्लील थोड़ा बहुत दिखेगा, कुछ लोग इसको इसको अश्लीलता का चरम स्तर मान लेंगे। तो इस तरीके से है, राज कमल चौधरी जी का है मछली मरी हुई, और मणि मधुकर का है सफ़ेद मेमने। इस तरीके के कुछ जो है यौन चेतना के ऊपर भरे हुए थोड़े ऐसे आपको जो है उपन्यास दिख जाएंगे। एक है महिला लेखन, महिला लेखन के अंदर पहली बार महिलाएं बाहर आई हैं, अब महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हैं। तो कृष्ण सोबती जी का है मित्रों मर जानी, आपने मैंने आपको पहले बताया था मित्रों मर जानी है, और प्रभा खेतान जो है छिन्न मस्तक, इनका एक उपन्यास है वो भी आप देख सकते हैं। मैत्री पुष्पा का है इदनम, इदनम्म एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब है मेरा कुछ भी नहीं है। अब महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि भाई ये भी पुरुष का है, ये भी पति का है, ये भी पिता का है, मतलब मेरा कुछ है ही नहीं, इस तरीके से इस थीम के ऊपर लिखा गया है नाटक है। आगे देखेंगे, अब समकालीन उपन्यासों के ऊपर आएंगे हम। सातवां जो है इसके अंदर है समकालीन उपन्यास। समकालीन उपन्यासों के अंदर जो उस काल के विशेष के अंदर चल रहा था उसे बोलते हैं समकालीन। सूचना प्रसारण का दौर था तो यहाँ पे सूचना और मीडिया के बारे में आपको इसके बीच में डिटेल में दिखेगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं सुरेंद्र वर्मा जी हैं मुझे चांद चाहिए, और निर्मल वर्मा जी का है रात का रिपोर्टर। ये दो उपन्यास है, इसके बारे में आप इतना जानकारी हो बहुत है, ज़्यादा इसको डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। एक है उत्तर आधुनिक काल, अब आधुनिक काल के अंदर ही एक उत्तर आधुनिक काल आपको नया दिखेगा, मतलब आधुनिक काल के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वो उत्तर आधुनिक काल के अंदर आपको अलग तेवर में दिखेंगे। तो उत्तर आधुनिक काल जो है 1960 से अभी तक आगे का मान सकते हो आप, उसमें है डेनियल बेल जो है, मतलब पश्चिम के जो लेखक है डेनियल बेल, उनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने स्टार्ट करा था। अब देखो हमारी जो है हिंदी की कुछ कमियां भी हैं, उनका नाम है बेल लेकिन हम बेल लिख नहीं सकते, अब या तो आप बेल या बेल ऐसे लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए आप बेल मांग रहे हो, वो घंटी जो बजाने वाली आती है बेल वो मांग रहे हैं, तो उसको आप लिख के नहीं मांग सकते, ये आपकी मजबूरी है, कमजोरी है, कमी है, ये मान लीजिए। आप बोलोगे कि मुझे बेल चाहिए, हाँ उसके आगे का रेफरेंस नहीं देंगे, तो आप बोलोगे किसी प्रिय को बोलोगे कि भाई मुझे बैल चाहिए, तो वो बोलेगा कि हाँ भाई ये पाल पोस के बड़ी करी है, मैंने अपने घर पे लगा रखी थी, बहुत शानदार बैल है, ये तुम ले जाओ, वो आपको जो बैल लगती है ना वो दे जाएगा। फिर आप बोलोगे यार ये तो गलत हो गया, फिर आप बोलोगे डबल मात्रा लगा के भाई मुझे बैल चाहिए, फिर थोड़ी देर बाद में खुद ही आ जाएगा हाँ भाई मैं ही बैल हूँ बताओ बैल, वो या तो आप राजस्थान के एरिया में हो तो बैल लेके आ जाएगा वो बैल, भले ये लो हमारा बैल यही है इसे हम बांधते हैं, तो इसमें लिंक की बात नहीं होगी, तो बेल ही लिया आएगा। तो आप बेल लिख नहीं सकते, जो घंटी बजाने वाली आती है बेल वो है ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि भाई मोदी जी बोले कि भाई ये छोटी मात्रा लगा दो, इस तरीके की छोटी मात्रा, तो इसको ही बेल बोलेंगे आज से, तो वो सिस्टम अलग हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी तक आपके जो है नहीं बेल, आप लिख नहीं सकते। जैसे पेन नहीं लिख सकते आप, ये पेन होगा और एक ये होगा पेन, आप बोलेंगे मुझे पेन चाहिए तो आपके स्विच चुप हो देगा, ये ले पेन ले, पेन होता है ना, बोले ये ले पेन हो रहा है, अब हो रहा है पेन, बोले हाँ पेन हो रहा है, अब आपको बोले पेन चाहिए तो ये वाला पेन जो है वो अलग पेन हो जाएगा। पेन कोई शब्द है नहीं हमारे हिंदी में, आप लिख नहीं सकते कि पेन चाहिए, आप हिंदी में बता नहीं सकते कि पेन चाहिए। तो पेन अगर आप बोलोगे पेन चाहिए तो आपको वो जो अंडा तलने वाला नहीं होता तो फ्राई पेन वो ला के दे देगा कि भाई ये होता है पेन, तो आप मांग नहीं सकते लिख के कि भाई पेन लिख नहीं सकते आप। ये थोड़ी कमियाँ हैं हमारे हिंदी के अंदर जो धीरे धीरे वक्त रहता सुधर जाएंगी। तो ये जो डेनियल बेल है, तो हम बेल इस तरीके से लिखते हैं, वो वाला बेल जो है हम लिख नहीं पाएंगे, जो एक का उच्चारण जिसमें होता है डेनियल बेल वाला, वो हम लिख नहीं पाएंगे, तो बेल ही लिखते हैं इसको, डेनियल बेल या ल्योतार और देरिदा, इन तीनों के नाम अगर याद रह जाएँ तो भी ठीक है, नहीं रहें तो भी ठीक है, बस एक बार सुन लिया अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि भाई उत्तर आधुनिक काल कौन सा है, बोले कोई ना कोई कोई सी भी आप विचारधारा लोगे तो विचारधारा कभी परिपूर्ण नहीं हो सकती, इसलिए इस जो है इस आधुनिक का मतलब हो गया कि विचारधाराओं का अंत, कोई भी विचारधारा संपूर्णता में नहीं होगी। जैसे दलित की विचारधारा है, दलित विचारधारा है जो है, दलित विचारधारा के अंदर आप दलितों का पूरा विचारधारा लोगे लेकिन इसके अंदर संपूर्णता में दलितों को समेट नहीं पाओगे। स्त्री विचारधारा है या फिर कोई और विचारधारा है, तो उन सारी विचारधाराओं के अंदर किसी पक्ष को तो आप समेट लोगे, किसी पक्ष को समेट नहीं पाओगे।
तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो विचारधारा है अब नई विचारधारा है कि विचारधाराओं का अंत, सारी विचारधाराओं का अंत हो गया, ये ही नई विचारधारा, कोई विचारधारा नहीं होगी। तो मार्क्स आदमी जो बोलता है, बोले भाई ये भी तो एक विचारधारा ही है, विचारधाराओं का अंत भी तो एक विचार ही है। तो इस तरीके से इनका थोड़ा जो है सिस्टम बैठ नहीं पाया। विमर्श की जो बात होगी तो विमर्श के अंदर जो जुर्गेन हैबरमास जो है विमर्श का पहली बार डिस्कोर्स के इनके ने बात करी। अब आप इतना तगड़ा नाम लिख दोगे ना, जुर्गेन हैबरमास, बोले जर्मनी के जुर्गेन हैबरमास ने इस तरीके की बात कही थी, तो जो है एग्जामिनर वैसे टेंशन में आ जाएगा। पहली बात तो हिंदी के जो लेखक होते हैं या सॉरी हिंदी के जो एग्जामिनर होते हैं या हिंदी के जो पाठक होते हैं, वो इतना ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं है, मतलब इतना डीपली रिसर्च करेंगे कि भाई जुर्गेन जुर्गेन हैबरमास है कोई जर्मनी के अंदर, उसने ये कहा होगा, और इतना लिखते ही आपके 2-3 नंबर तो एक्स्ट्रा हो जाएंगे। भाई इतना डीपली जानता है ये बंदा, मतलब जर्मनी तक के दार्शनिकों को या जर्मनी तक के लेखकों को जानता है, तो टेंशन में आ जाएगा और आपके 1-2 नंबर तो सीधे बढ़ जाएंगे। बस ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने ठूसे नम ठूसी चीज़ें, ऐसा बात चल रही है, मतलब चलते चलते आपने कहा ये इतना ही है कि जो जर्मनी के जेबर या हैबर मास हैं उन्होंने ये कहा है, मतलब चलते चलते वाक्य के अंदर प्रयोग हो जाए, तो बस ऐसा हो जाएगा कि बस चिल्लो और पानी ले आओ, एग्जाम में बोला चिल्लो और पानी ले आओ, मैं तो डूबूंगा। मतलब कैसी दुविधा है कि ये बच्चा लिख रहा है और मैं चेक कर रहा हूँ, जब कैसा होना चाहिए कि मैं लिखूँ ये चेक करें, तो इस तरीके का उसके मन में आ जाएगा। जो डिस्कोर्स जो होते हैं विमर्श, जैसे स्त्री विमर्श है या फिर दलित विमर्श है, इन विमर्शों के बारे में जो है डिस्कोर्सों की बात होगी। बिखराव का जो महत्व है इसके अंदर ज़्यादा हो जाएगा। मनोहर श्याम जोशी का जो है इसके अंदर आप मेन मान सकते हैं। मनोहर श्याम जोशी की एक है हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, इस तरीके का नाटक है। मनोहर जोशी का जो है मेन आपको उपन्यास दिखेगा जो है हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, इस तरीके का उन्होंने उपन्यास लिखा है। एक है कसब, दो उपन्यास आपको याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर आधुनिक काल में बिखराव का महत्व दिखाया गया है इसके अंदर, बहुत चीज़ें बिखरी बिखरी सी आपको दिखेंगी, तो बिखराव का जो महत्व है इसके अंदर ज़्यादा दिखेगा। उसके बाद में भदेश का इस्तेमाल है। भदेश का भगवान ना करे आप कभी भदेश जैसे दिखें। भदेश का मतलब होता है एकदम जैसे होता है ना, एक तो होता है अच्छा, एक होता है बुरा, और एक होता है बुरे से ज़्यादा छी, जैसे कई लड़के होती है ना कोई चीज़ देखने छी ये क्या गया, तो वो जो छी होता है ना वो होता है भदेश, मतलब एकदम आप ये मानो कि छी, अरे आपके मुँह से निकल जाए छी। अब मान लो कोई नायक है, नायिका को प्रपोज करने जा रहा है, अब उसको बुलाया कि भाई तुम तो नाले के ऊपर आ जाना, नाले के ऊपर प्रपोज कर रहा है, वहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया गंध भी आ रही है और 2-4 मक्खियाँ आई है, मक्खियाँ जो है फूल के ऊपर बैठी है, सूखला सा फूल है और बिल्कुल मक्खियों के पैरों में मान लीजिए टट्टी लग रही है, और वो फूल से उड़ी और फूल से उड़ के उस नायक नायिका के मुंह पे जाके बैठ गई। अब नायिका बोले छी ये क्या है, तो वो सिस्टम मतलब बिल्कुल गंदा सिस्टम जो है उसका इस्तेमाल इसके अंदर होने लग गया था, मतलब आप तो छी निकल जाए, ये क्या गंदा गंदा दिखा रहे हैं, इस तरीके के जो है मनोहर श्याम जोशी जी ने ऐसे भी कुछ लिखा है। भदेश इस्तेमाल मतलब बिल्कुल गंदा ही एकदम, आपको छी निकल जाए मुँह से, इस तरीके का। कृष्णा बालदेव वेद हैं, विनोद शुक्ल हैं, जो दीवार में एक खिड़की रहती है, इस तरीके का उन्होंने जो है उपन्यास लिखे हैं, बिल्कुल छी किस्म के वाले उपन्यास होते हैं ना, उस तरीके के उपन्यास आपको इसमें दिखेंगे। लास्ट में निष्कर्ष के तौर पर हम लिख सकते हैं कि 1980 के बाद के संरचनावाद की प्रक्रिया में उत्तर संरचनावाद या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म विकसित हुआ, जिसका गहरा संबंध उत्तर आधुनिकता से है। पश्चिम में चार्ल्स जेम्स फूको लियोतर ने इस दृष्टि से समीक्षा प्रकृति में बदलाव, तो हिंदी में सुधीर पचौरी ने देवंदर इरुसर ने किया। निष्कर्ष के तौर पर हम लिख सकते हैं कि 1980 के बाद संरचनावाद की प्रक्रिया में उत्तर संरचनावाद या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म विकसित हुआ, जिसका बाहरी संबंध उत्तर आधुनिक काल से है। पश्चिम में चार्ल्स जेम्स फूको या लियोतर ने किया, इसी दृष्टि से समीक्षा पद्धति में बदलाव, तो हिंदी में सुधीर पचौरी ने और देवेंद्र इरुसर ने इसका इस्तेमाल किया। तो यह इसका निष्कर्ष हो गया। इस क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।